मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नीतीश में से स्वागत है। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे अपने पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से। दोस्तों दोस्तों अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में जो आपका स्क्वायर वाला रीजन है उसका हम लोग जनरली एरिया फाइंड करें। आप पेपर में देखते होंगे भैया, जो पेपर में स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो बहुत सारे टाइप बनते हैं मेंसुरेशन से लेकर ज्योमेट्री तक में। ज्योमेट्री में कुछ एक सिमिलरिटी वाला फिगर बन जाता है, बट मेंसुरेशन में सिमेट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन आपसे पूछ लेता है। अभी तक जो हम लोग 3-4 लेक्चर देखे स्क्वायर का, उसमें एरिया ऑफ लीफ फाइंड किए हैं, कैसे एरिया ऑफ पाथ फाइंड किए हैं, न्यूमेरिकल फिगर डायरेक्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम जो सवाल था उसका हम लोग बनाए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जी, तो कैसे क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो अलग अलग एरिया बनते हैं उसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आप देखेंगे एकदम बेसिक से बनाएंगे तो आपको लगेगा यार आराम से हम आराम से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। देखिए आपका जो ये पहला सवाल है दोस्त, देखो पहला सवाल क्या है समझना, पहले मैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझाऊंगा और उसके बाद में धीरे धीरे इसके एरिया पे आऊंगा। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इसका नाम पता दे लेते हैं, देखते हैं। देखो नाम पता मान लो, जैसे मान लेते ए बी सी। अभी देखिए ये जो आपका सेडेड पोर्शन है, पहले हम समझते हुए सेडेड पोर्शन मेरा बना कैसे। ठीक है, देखो ए समझना, ए को अगर हम सेंटर मान लें, ए को सेंटर मान लेते हैं, वो जो बी डी आर्क जो है ना वो एक्चुअली वो क्वाड्रेंट बन जाए। जब अगर हम ए को सेंटर मान के, अगर हम आप ए को सेंटर मानो, हाथ रखो ए पे एक स्क्वायर बना के, और वहां पे आप क्या करना, एक आप सर्कल ड्रॉ करना, देखना बी से डी में वो 90 डिग्री बना रहा है एंगल ए पे, तो वो क्वाड्रेंट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप बी को सेंटर मान लेते हैं और फिर वहां से अगर आप एक क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ए सी आर्क बनेगा भैया, और फिर जाके आपको वो भी एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो उस केस में जो दोनों जो कोइंसाइड कर रहा है रीजन, आपको उसी का एरिया बताना है। ठीक है, समझो तो अभी हम इस फिगर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस एक फिगर जो इसका मूल फिगर है मैं उसको ला रहा हूँ। अब देखिए पहले आपको समझाते एकदम बेसिक वाले फिगर से दोस्त, समझो देखिए ये फिगर को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे सबको समझाएंगे ए बी सी और ये मान लो डी, और ये मान लो कहीं ना कहीं ओ पे इंटरसेप्ट किया, मान लेते हैं यहाँ भी ओ पे इंटरसेप्ट किया, कोई समस्या नहीं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ध्यान से देखना पहले, मतलब अभी जो ज्योमेट्रिकल फिगर समझाएंगे ना वो समझना, अगर वो समझ गया ना पूरा का पूरा कहानी खत्म। देखो अगर हम ए से लेके ओ ज्वाइन कर दे तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आपको होना चाहिए। हमने क्या किया, ए से लेके ओ तक ज्वाइन कर दिया, यस सर। सिमिलरली अगर हम ओ और ओ से लेके बी तक ज्वाइन कर देता, हमको नहीं लगता आपको समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अब बोलेगा सर ए ओ बी पता है एक ट्रायंगल बन गया, ए ओ बी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। चलो ए ओ बी अपना क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन ये कैसा ट्रायंगल बनेगा सर, ये कैसे पता चले कैसा ट्रायंगल बनेगा, अभी आपको समझाते। देखिए आप समझिए बात को, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन हटा रहे हैं, अभी हम एक लाइन हटा रहे हैं, तो देखना आप रुक जाओ मेरे को भी, हाँ एक लाइन हट गया, अभी समझना। अब देखो एओ, एओ देखना, अगर मान लो अगर इस वाले मान लो ये साइड है ए, स्क्वायर के साइड का लेंथ मान लो ए यूनिट है, यहाँ भी मान लो ए यूनिट है, हम लोग ए मान के बनाएंगे। ठीक है, तो क्या ओए का भी लेंथ ए होगा, ओए का लेंथ ए, ऐसे कैसे ओए का लेंथ ए कैसे होगा, एकदम होगा। देखो समझना, अगर ए सेंटर है, देखो अगर ए सेंटर है, ए सेंटर है, और अगर आप वहां से क्वाड्रेंट बना रहे हैं तो डी बी आर्क बनेगा ना, डी बी आर्क बनेगा ना, तो सेंटर से आर्क को कहीं भी टच करवाएंगे वो तो रेडियस के बराबर होगा ना, यस सर, ये ए हो गया, यस। अगर ये कम समझ में आए, चलो मैं एक रफ में फिगर बनाता हूँ, मैं एक रफ में मान लीजिएगा हम ऐसे फिगर बनाते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम एक यहाँ पे सेंटर बना के एक हम क्वाड्रेंट यहाँ बनाते हैं, मान लो ये मेरा ए सेंटर है, तब कहीं भी ज्वाइन कर दो, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, रेडियस ही तो कहलाएगा ना, यस सर। अगर ये रेडियस कहलाएगा दोस्त, तो अब हम इसको मिटा सकते हैं, और वो बात हम वहां पे समझ गए जो अपना ए कैसे आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो दोस्त अगर हम ओबी को मिला दे तो कोई समस्या नहीं है, तो बोलोगे नो सर, ओबी को मिलाएंगे तो सर कोई समस्या नहीं होगा, और संजोग से क्या होगा, ये भी आपका ए यूनिट होगा, यस सर। और सर ए बी भी ए यूनिट है, तो बताओ तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर बराबर, तो उसको क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, यस सर। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा,
60 डिग्री है, वही वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, आया समझ में? तो मेरे हिसाब से इतना कुछ तो समझ गए, ठीक है। अब सर, अब इसका इस फिगर से क्या रिलेटेड है? बहुत बहुत ज्यादा रिलेशन है। अब समझना, देखो होगा क्या, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेडेड पोर्शन बना रहा अभी, अब देखिए शेडेड पोर्शन बना। यस, अभी आप देखना एक और लाइन हम यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे इस ओरिजिनल वाले फिगर में। जैसे मान लो दोस्त, अगर हम इसको यहाँ पे ओबी को मिलाते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यस सर, तो क्या आप हमें बताएंगे जो सर इधर वाले ट्रायंगल में, अभी जो हम लोग ये वाला ट्रायंगल, जो ये जो स्क्वायर जो इधर हम एक दूसरा फिगर बनाए हैं, उसमें जो जो आपका पट्टी वाला एरिया है, वो पट्टी वाला इसके भी बराबर होगा? ये जो एरिया है ये सेम एरिया इसके भी बराबर होगा? यस सर, होगा ना बराबर। चलिए, तो हम आपको एक काम कर रहे हैं, अब हम ना इस वाले का एरिया निकालना, ये वाले सेक्शन का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, इस वाले सेक्शन का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बोलोगे सर अगर ए सेंटर है, समझना, अगर ए सेंटर है, ए सेंटर है, देखना ए सेंटर है, तो देखो ए बी और ए ओ, ए सेंटर है तो ए बी और ए ओ मिलके एक सेक्टर बनाया। यस सर, अगर मैं तुमको बोलूँ जो अगर मान लो ये कोई सर्कल है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो सेक्टर होगा ना? यस सर। और ये मान लो अगर थीटा, अगर मान लो थीटा बनाता है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। सिंपल है। यस सर, सिमिलरली हम समझ गए। देखो अपना जो सेक्टर निकला, वो सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। बट आप बोलेंगे सर हमें सेक्टर का तो एरिया नहीं चाहिए, हमें उस छोटा सा पट्टी का एरिया चाहिए। आप आराम से बता सकते, देखिए देखो जो सेक्टर है ए ओ बी ए, ये जो आपका सेक्टर है, उसमें से अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकाल लीजिएगा, समझना, अगर मान लो, समझना, ये जो अगर मैं यहीं पे एक ऐसा फिगर बना देता हूँ, आप बोलिएगा सर इसका एरिया कैसे आएगा, ये वाले सेंसर सेक्टर का मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा? तो आप बोलोगे ना सर एक काम करो, आप एक काम करो, ये मान लो ओ, ये मान लो ए और ये मान लो बी, आप पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर आप ओ ए बी का एरिया माइनस कर दीजिएगा, एरिया ऑफ पट्टी आ जाएगा। यस सर, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप एरिया ट्रायंगल ए ओ बी निकाल लेंगे, तो हमारा वो पट्टी का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट, समझ गए, दिस पार्ट का मतलब क्या, डैट पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ दिस पार्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए बराबर क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए हम लोग माने हैं ना, तो पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 60 डिग्री पाई 360 माइनस, ये तो आपका सेक्टर का एरिया आ गया, ये आपका किसका एरिया, सेक्टर का एरिया आ गया, ए ओ बी ए इसका एरिया आ गया ये। अब ट्रेंगल के एरिया अगर हम निकालेंगे, तो ट्रेंगल के एरिया क्या होगा, इक्विलेटर ट्रेंगल के एरिया का रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, एक हम वीडियो में रूट 3/2 ए स्क्वायर बोल गए थे, पता नहीं क्या चला था दिमाग में ऐसा कुछ, आप वहां पे हमें माफ कीजिएगा, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड यहाँ पे ए है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। ये एरिया ऑफ कौन सा पोर्शन है सर, इधर वाला पोर्शन आया। तो हमें तुम जरा एक बात बताओ, अगर सिमिलरली अगर हम आपको बोले जो एरिया आपका इस साइड का, इस पट्टी का है, वही एरिया तो आपका इस पट्टी का भी तो होगा ना, वही एरिया तो आपका इस पट्टी का भी होगा ना, तो बोलोगे यस एकदम होगा। तो बताओ जो मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, सेम एरिया होगा ना, सेम एरिया। अब देखो, और अगर मैं आपको बोलूं, अगर इन दोनों एरिया में अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें, तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन उसका एरिया निकल जाएगा ना? यस सर, निकल जाएगा एरिया।
तो अब हमें जरा तुम एक बात बताओ, एरिया ऑफ वन पोर्शन कितना आया? पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। अगर उसमें आप दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों अलग अलग पट्टी का एरिया आ जाएगा। अभी देखो, आपको लगेगा यस सर ये तो वही चीज तो है, समझो अगर मैं आपको इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूं, यही तो है ना। यस सर, अभी देखो हम लोग क्या किए हैं, इसका एरिया निकाल लिए हैं, इसका एरिया निकाल लिए हैं, और इसका एरिया, ट्रेंगल का एरिया हमें ऐड करना होगा। मतलब मान लो इसको फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, और इसको मान लो थर्ड। तो फर्स्ट का एरिया और सेकेंड का एरिया तो बराबर है ना। यस सर, और हमें अब किसका एरिया इसमें ऐड कर दे, थर्ड का एरिया, इधर वाले तो पोर्शन आ जाएगा। यस सर, देयर फोर रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हुआ था, आप क्या बोलिएगा सर? पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। अगर इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों अलग अलग जो लीफ है उसका एरिया आ जाएगा, जो पट्टी है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आएगा, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। देखो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यही तो आपका थर्ड वाला सेक्शन, थर्ड वाला सेक्टर क्या है, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। आया समझ में? चलिए अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो दोस्त क्या क्या आएगा। देखो पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स तक तो सही है, अच्छा टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा। अभी देखो माइनस टू रूट थ्री बाई फोर पाई आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई फोर पाई आर स्क्वायर, एक माइनस हो जाएगा तो माइनस वाला बच जाएगा, माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, यही आपका आंसर। आया समझ में? बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, वो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, पाई ए मतलब फर्स्ट वाले सेक्टर, फर्स्ट वाला जो रीजन है ना उसका एरिया निकाला। फर्स्ट वाला एरिया किसके बराबर होगा, सेकंड वाले के, तो जो फर्स्ट निकाल लेंगे वही सेकंड वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हम लोग एरिया कैसे निकालें, तो हम लोग पहले एक सेक्टर ए ओ बी ए का एरिया निकाल लें, उसमें से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दिए तो क्या आ गया, वो पट्टी का एरिया आ गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या, पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। उसमें अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा, प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, देखेंगे इसमें से कुछ यूज आगे आ सकता है। लेट्स सी, अब आइए, अब हम लोग दूसरा वाला जो फिगर है उसका हमें एरिया लाना, समझना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग ना इसका कोई इस फिगर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस नाम पता इसका लिख दे रहे, नाम पता लिख दे रहे, ए बी सी और डी। और एक फिगर हम लोग पुराना वाला यहाँ ऐड करते हैं, देखिए नाम पता लिख दे रहे हैं, ए बी, ध्यान से। अभी देखना हम करेंगे क्या, मैं आपको बोलूं ये ओ पॉइंट है तो कोई समस्या, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ओ बी को ज्वाइन कर दूं तो कोई समस्या, बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, होना भी नहीं चाहिए समस्या। देखिए अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ, मैं यहाँ पे काले से इसको रंग रहा हूं, ठीक है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, सही बात है। यहाँ पे इस काले का मतलब यही है, जब तक इस काले का आंसर आप नहीं लाएगा तब तक आप तो उसका आंसर ला ही नहीं पाइए। अभी देखिए समझिए, अगर मैं आपको बोलूँ वो काले मतलब सबको समेट के एरिया निकालना है तो आप निकाल दोगे, लोग ये सर तो बहुत आसान है, क्यों सर? अगर मान लीजिए अगर हम बी को, अगर हम बी को सेंटर मानते हैं, अभी आप पहले वाले फिगर पे आइए, अगर आप बी को सेंटर मानेंगे तो जो ए सी वाला सेक्टर जो है ए सी, वो क्वाड्रेंट बन जाएगा। यस, मतलब उस क्वाड्रेंट पे, और वो जो आर्क एसी बन रहा है वहां से अगर हम बी से कहीं भी टच करवा दे तो रेडियस ही बनेगा। यस सर, तो ओ बी भी क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। जी गुरुजी, इतना तो हमें पता है, ये भी रेडियस होगा, मान लो ए और ये भी ए, मान लो सब ए के बराबर है, सिंपल है, ये अंडर स्टूड है, ठीक है ना, ए के बराबर। तो बोलोगे गुरु जी अभी हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, जो अगर हम ये वाला एंगल, अब मेरा 60 डिग्री आया था कि नहीं आया था, तो अभी ऊपर वाले में अभी AO ज्वाइन कर देंगे तो आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इधर वाला 60 डिग्री होगा। तो हमें बताओ दोस्त ये वाला एंगल कितना होगा,
तो बोलोगे ना ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 90 होता है, सिंपल बात है, स्क्वायर है। बोलोगे अरे सर एक बात बताएं, जो अगर आप ओ देखो बी से, देखो बी से सी को भी ज्वाइन किए, आर्क वाले रीजन को बी से ओ को भी ज्वाइन किए, मतलब ये सेक्टर बन रहा है, और कौन सा सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो हमें बताइए ये जो पूरा का पूरा, जैसे मान लो अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं, ये इसको वन मानते हैं और इसको और इस वाले रीजन को टू मानते हैं, इस वाले रीजन को टू मानते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट वन का नहीं निकाल सकते, लेकिन लेकिन हम वन प्लस टू में से अगर हम टू माइनस कर दे तो हमारा एरिया आ सकता, हमारा एरिया आ सकता, ठीक है ना। अगर हम एक प्लस दो में से अगर हम दो वाले को माइनस कर दे तो आ जाएगा। एक प्लस दो को हमको इकट्ठा निकालना होगा, समझना, एक प्लस दो को हमको इकट्ठा निकालना होगा। एक प्लस दो इकट्ठा कैसे, सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, तब क्या लिखोगे एक प्लस दो, इसका एरिया कितना आएगा पाई ए स्क्वायर इंटू 30 बाई 360 माइनस। अब हमारा कौन सा सेक्टर है, सेकेंड वाला, मतलब एरिया ऑफ डैट पट्टी, एरिया ऑफ डैट पट्टी। और अभी हम लोग निकाले थे एरिया ऑफ डैट पट्टी कैसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल 60 डिग्री है उसमें से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दे, समझना, अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन ऐसे करेंगे तभी तो मेरा काम बनेगा। बोलोगे सर अभी तुम लोग जस्ट ऊपर में ये काम किए थे ना, यस सर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए, ये जो सेक्टर है उसमें से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दे तो एरिया ऑफ डैट पट्टी आ जाएगा। और एरिया ऑफ डैट पट्टी हम लोग कितना लाए थे, अभी देखो एरिया ऑफ डैट पट्टी कितना था, पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, सिंपल है ना। आप अभी तो हम आपको बताएं ना, जो सेक्टर के एरिया में से आप क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया माइनस कर, चलिए तो पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आप क्या क्या आ जाएगा एरिया ऑफ डैट पट्टी आ जाएगा। उस एरिया को अगर आप पाई ए स्क्वायर इंटू 30 बाई 360 में से माइनस करेंगे, एरिया ऑफ डैट फर्स्ट वाला पोर्शन चला आएगा, ठीक है ना। तो पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स नहीं, पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12 ये मिलेंगे, तो इतना ही, ठीक है। पेपर में हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दे दे, या ए ए के जगह पे 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू पुट करवा के आपसे निकलवा ले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही मजा आया हुआ है ऐसे सेक्टर के एरिया निकालने में, जहां लगा होगा यार ये बहुत कठिन है, बट ये कठिन नहीं है, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए एक बार हम आपको फिर से बता रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ऑफ एक पट्टी मतलब अगर ओ बी को मिला देंगे तो ओ बी सी ओ क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। उसमें से अगर हम एरिया ऑफ डैट पट्टी निकाल देते तो हमारा एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया पता चल जाएगा। तो उसको हमने वन और टू रीजन में बांधा, वन मेरे को निकालना है और टू हम अपने मन से मान रखे हैं। एक प्लस दो में से अगर हम दो माइनस कर दे तो हमारा एरिया ऑफ वन आ जाएगा, डैट विल बी रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरा। अब एक प्लस दो मिलकर एक सेक्टर है आपका, तो हमने निकाल दिया पाई ए स्क्वायर इंटू 30/360 माइनस एरिया ऑफ डैट पट्टी, और डैट पट्टी ऊपर निकाल के रखे, ठीक है। आगे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले फिगर इस पे देखते इसका एरिया कैसे निकले। आप बोलेगा सर बहुत आसान है, आप बोलेगा सर बहुत आसान है, बोलो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बोलेगा सर तो अगर आप देखिए ये वाला सेक्टर का एरिया भी आप निकाले थे ना सर, जस्ट ही ऊपर तो निकाले हैं, और अगर आप इसका एरिया निकाल अभी तो जस्ट निकाले हैं कि जो उधर का एरिया होगा वही तो इधर का एरिया हो, सिंपल है ना, यस सर। और अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका एरिया निकाल के बैठे थे, अभी कुछ देर पहले जो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन था वो इसी का तो एरिया हम लोग निकाल के बैठे थे, यस। तो सर अगर हम, सर अगर हम क्या करें, जो मान लो ये मान लो पहला, इसको मान लो कौन सा ले ले, चलो ये मान लो फर्स्ट है,
ये मान लो सेकेंड है और ये मान लो थर्ड है, ठीक। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, ये वाले सेंटर का सेक्टर का एरिया निकालना हो या शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कौन कौन एरिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अगर हम पूरे के स्क्वायर एरिया में से अगर हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा ऊपर वाला आंसर आराम से आ जाए, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं और हम लोग मान के बैठे हैं ये थ्री, हम लोग पहले से मान के बैठे हैं तो स्क्वायर के साइड ए के बराबर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा दोस्त? ए स्क्वायर होगा माइनस, अब आइए ठीक है। सबसे पहले हम लोग टू का एरिया ले लेते हैं क्योंकि टू अकेला है, तो देखिए टू, तो देखो टू का एरिया क्या है यहाँ पे, अभी लोग निकाले थे सबसे पहला सवाल ही तो टू था ना, देखो ये वाला है ना वही है, तो इसका एरिया कितना आया था, पाई ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। चलो वहां पे आपको निकालना होगा खुद से, पाई ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एक आ गया अपना, मतलब दूसरा वाला जो सेकेंड पोर्शन है उसका हम लोग आंसर ला चुके हैं। अब हम लोग एक बार हम लोग आंसर ये उसको चेक कर लेते हैं कितना था, पाई ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, सही लिखे है ना भाई? हाँ सही है। अब आइए जो एरिया फर्स्ट का होगा, जो एरिया फर्स्ट का होगा वही एरिया थर्ड का होगा, यस सर। तो फर्स्ट का एरिया और थर्ड का एरिया हम किसी एक का एरिया निकाले हुए हैं उसके एरिया में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड दोनों आ जाएगा, यस सर। तो देखो दोस्त फर्स्ट का एरिया देखो कितना आया था, है ना, डेट इज रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, वो क्या था, प्लस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और इसमें हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना होगा दोस्त, दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, ठीक है। कैप रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व। चलिए क्यों दो से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इधर वाला पट्टी और इधर वाले पट्टी का एरिया सेम होगा, तो हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम लोग एक का निकाल के बैठे थे और बीच वाले का हम लोग का एरिया हम लोग निकाल के सबसे पहले बैठे थे, ठीक है ना। देखो ये बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन को एकदम प्यार से करना है। ए स्क्वायर माइनस देखिए क्या क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस टू रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई थ्री में से अगर आप पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है, माइनस कर लीजिए वही आएगा। और टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर में से अगर आप रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर घटेगा तो एक रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर बच जाएगा, तो प्लस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, यही आपके सवाल का जवाब, आराम से। आपको सही है, यस सर। चलिए तो माइनस यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बाई सिक्स है, हाँ सही है, देख लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक कर लेंगे, वरना इसको टिक लगा के आगे बढ़े, समझ में आया आपको? आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, यही तो सवाल, यही तो इस वीडियो का आखिरी सवाल था। तो हमें लगता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जो कैसे कैसे हम लोग क्या किए हैं, जो अलग अलग जो सेक्टर बना है, अलग अलग जो शेडेड पोर्सन बना है उसके एरिया हम लोग कैसे निकाले। हमें लगता है आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत आराम से आप ये सब सवाल सीख लिए, ठीक है मित्र। तो देखो अभी हम लोग क्या देखें, जो सबसे पहला वाला फिगर था, सबसे पहला वाला ही फिगर था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें हम लोग एरिया ऑफ, जब हम एक पट्टी निकाल लिए हैं और वही तो समझना था इक्विलेटरल ट्रायंगल बन कैसे रहा था। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लिए, ये मेरा सबसे बड़ा इमेजिनेशन होगा एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर हम पहले में ऐसे सवाल किए तो आराम से बना लेंगे। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए तो आगे बहुत आसान है, सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा दीजिए, एक पट्टी का एरिया आ जाएगा, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों पट्टी का एरिया आ जाएगा, उसके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया जोड़ दीजिए, एरिया ऑफ डैट गुंबद चला, ठीक है।
अब हमें इधर वाले का मान लो अगर एरिया लाना हो, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था डेट इज, तो हम क्या किए ओबी को ज्वाइन कर दिए, तो फिर से एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल 30 डिग्री, उसमें से अगर हम एरिया ऑफ एक पट्टी निकाल ले जो काला वाला वो हम लोग पहले निकाल चुके, ये आंसर आ जाएगा। और जो थर्ड वाला क्या है उसी का कंबाइन है। अब हमें स्वाभाविक है चार फिगर बन रहा था, चार में से हम तीन के एरिया निकाल चुके हुए, चौथे के एरिया निकालना था, हम क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सॉरी स्क्वायर के एरिया में से इन सबको माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन चला आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हम लोग अभी तीन सेक्टर ढूंढे हैं ना, इसे तीनों में सर्कल डाल डाल के, आपके सीजीएल में सवाल आ रखा है, कैट में भी सवाल आ रखा है, बार बार कैट में 2000 लॉकडाउन वाले में भी सवाल आते हैं, 21 वाले में भी सवाल आता है, सीजीएल का 17 में भी सवाल आया था, जिसके अंदर में सर्कल डाल डाल के आपसे सर्कल का रेडियस पूछ। हम अगले वीडियो पे आते हैं और अगले वीडियो में सिर्फ वही दें। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।